हिंदी स्टोरी टेलर। हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं हिंदी स्टोरी टेलर एपिसोड नंबर 12। अभी चल रहा है हॉन्टेड सीरीज। पॉकेट एफएम से लिया हुआ दिया की कहानी मौत का रहस्य, चैप्टर नंबर 4, खूनी खंजर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टोरी टेलर। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। आज की जो कहानी है वो है खूनी खंजर। अगर आप लोग मेरा चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाके पहले उसे सुन लीजिए, उसके बाद ही चैप्टर 4 का और भी मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप लोग मुझे न्यू सुन रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आप पर सबसे पहले पहुंच जाए और मेरा कोई वीडियो आप लोगों को मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके शुरू करते हैं आज की जो कहानी है, खूनी खंजर। अगले दिन दिया और रिया अपने कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज के बाहर कुछ लड़के और लड़की खड़ी होकर बात कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। कॉलेज के चारों ओर का नज़ारा देखकर रिया चहचहाते हुए बोलती है, यार यहाँ तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मेरा तो मिशन बॉयफ्रेंड अभी से स्टार्ट हो गया है। रिया की बात सुनकर दिया शरारती ढंग से मुस्कुराती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है, मुझे तो लगा था तू यहाँ पढ़ाई करने आई है, लेकिन मैडम मुझे तो तेरे विचार कुछ और ही लग रहे हैं। दिया हंसते हुए रिया से बात कर रही है, तभी सामने से दिया को एक बॉल तेजी से उसकी ओर आती दिखाई देती है। बॉल दिया को छू पाती उससे पहले ही वो दूसरी ओर हट जाती है। बॉल दिया के पास से होती हुई गुजर जाती है। यह नज़ारा देखकर रिया बुरी तरह से चौंक जाती है और फिर फिक्र भरी आवाज में दिया से पूछती है, ओ गॉड, दिया तू ठीक तो है ना? दिया रिया को कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही एक हैंडसम लड़का दौड़ते हुए उसके पास आता है और माफी मांगते हुए दिया से कहता है, आई एम रियली सॉरी, आप ठीक तो है ना? मेरा नाम नकुल है, मैं फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक बॉल यहाँ आ गई, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? उस लड़के को परेशान देखकर दिया उसे शांति से जवाब देते हुए बोलती है, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिया का जवाब सुनकर नकुल का सांस में सांस आती है और वो दिया से फ्लर्ट करते हुए कहता है, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मेरी वजह से इतनी खूबसूरत लड़की को चोट आई है, ये ख्याल मुझे चैन से नहीं बैठने देता। नकुल की बात सुनकर दिया धीमे से मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी ओर रिया से उस लड़के को बिना पलक झपकाए एक टक देखे जा रही थी। भूरे बाल, चौड़ी छाती, सांवले चेहरे पर हल्की फ्रेंच दाढ़ी, 5 फीट 6 हाइट, तीखी नाक और नशीली आंखें, ऐसा ऑरा कि कोई अगर एक बार देख ले तो अपनी नज़र उस लड़के से एक बार भी हटा नहीं पाए। तभी रिया धीमे से दिया के कान में बोलती है, चैन से तो मैं अब नहीं सो पाऊंगी इसका हैंडसम चेहरा देखकर। उस दोनों का मुस्कुराकर बात करते देखकर नकुल बीच में ही बोल पड़ता है, वैसे आप लोग को पहले अभी कॉलेज में देखा नहीं, लगता है आप लोग न्यू हो। नकुल की आवाज़ सुनकर उन दोनों का ध्यान फिर से उस पर आ जाता है और तभी रिया तुरंत जवाब देते हुए नकुल से बोलती है, हाँ जी, आज हमारा पहला दिन है, मेरा नाम रिया है और ये दिया है, हम लोग दिल्ली से 2 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। रिया मुस्कुराते हुए एक टक नकुल की ओर देख रही है और नकुल की निगाहें सिर्फ दिया के चेहरे पर थमी हुई हैं। तभी दिया धीमे से रिया के कान में फुसफुसाकर कहती है,
जब इतना कुछ बता दिया है तो आधार नंबर और बैंक डिटेल भी बता ही दे दी अपनी। दिया की बात मानो नकुल ने सुन ली हो। वो धीमे से अपने सर नीचे करके हंसने लगता है और मुस्कुराते हुए दोनों से कहता है, तुम दोनों ऊटी में नहीं हो, फिर तो तुम दोनों को मैं ऊटी घुमा सकता हूँ। फिर वो दिया की तरफ मुड़ता है और उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर दिया सिर्फ तुम चाहो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। नकुल की बात सुनकर दिया एक पल को सकपका जाती है और फिर खुद को संभाल कर इनकार करते हुए कहती है, हमें कहीं नहीं जाना, वैसे भी कॉलेज के पहले दिन ही मैं क्लास बंक नहीं करना चाहती हूँ। दिया का जवाब सुनकर नकुल उदास हो जाता है, मानो उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, और फिर सफाई देते हुए कहता है, मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहता था, तुम यहाँ नहीं हो तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आसपास की जगह दिखा दूं। तभी अचानक रिया उन दोनों के बीच में आ जाती है और नकुल की तरफ मुड़कर उत्सुकता भरी आवाज में उससे कहती है, मुझे कहीं भी जाने के लिए देर नहीं हो रही है, आप कहोगे तो मैं क्लास बंक भी कर लूंगी। रिया की आवाज़ सुनकर उन दोनों का ध्यान फिर से उस पर आ जाता है और नकुल मुस्कुराकर उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्लास बंक करने की जरूरत नहीं है, आज मेरा भी एक जरूरी मैच है, अगर तुम दोनों कल फ्री हो तो हम लोग कल कॉलेज के बाद चल सकते हैं। ये कहकर नकुल फिर से दिया की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगता है। उसी वक्त दिया नकुल की सवाल भरी निगाहों को पहचान कर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तो फिर हम कल कॉलेज बाद मिलते हैं। दिया की बात सुनकर नकुल का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो उसे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही तभी कोई नकुल की टीम में से उसे आवाज़ लगाता है। उस आवाज़ को सुनकर नकुल उदास हो जाता है और उसी उदास भरी आवाज़ में उनसे कहता है, लगता है अभी मुझे जाना होगा। और फिर वो दिया की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, दिया जल्द ही तुमसे फिर मुलाकात होगी, अभी के लिए बाय। नकुल मुस्कुराते हुए उन दोनों को बाय करता है और फिर भागकर वापस अपनी टीम के पास चला जाता है। नकुल को जाते हुए देखकर रिया शरारती मुस्कुरान के साथ दिया की तरफ पलटती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है, मेरी आंखें धोखा खा रही है, यह सच में एक हॉट लड़का तुझसे फ्लर्ट कर रहा था और तूने उसे ज़्यादा भाव भी नहीं दिया, कितनी बेवकूफ है यार तू। रिया की बात सुन दिया उसे जवाब देती है, हम दोनों की तरफ से तो सारे भाव तूने ही दे दिए। और फिर वो शरारती ढंग से मुस्कुराती है और रिया को छेड़ते हुए कहती है, मुझे तो लग रहा था कि तू अभी उस लड़के पर कूद पड़ेगी और उसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगी। ये कहकर दिया खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी अचानक कुछ सोचते हुए दिया की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो हैरानी भरी निगाहों से रिया की ओर देखते हुए उससे पूछती है, पर कल तक तो तुझे वो पड़ोस वाला लड़का पसंद था और आज ये पसंद आ गया। दिया की ये बात सुनकर रिया उदासी भरी आवाज में उससे कहती है, लेकिन पड़ोस वाला लड़का तो तुझे की घूरता रहता है, तो मैंने सोचा इस पर ट्राई कर लूँ, लेकिन ये लड़का भी तुझ में ही दिलचस्पी ले रहा है, मुझे तो लगता है मैं इस जन्म सिंगल ही मरूंगी। रिया की ये बात सुनकर दिया धीमे से मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, अगर तेरी ठरक हो गई हो तो मैडम हम क्लास में चले, वरना हमारी क्लासेस मिस हो जाएगी। दिया की यह बात सुनकर रिया बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है और फिर वो दोनों क्लास की ओर चल देती है। कुछ घंटों बाद कॉलेज में दिया का बाकी का दिन नॉर्मल बीतता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो दोनों अपने घर पहुंचती है और दिया चेंज करने के लिए अपने कमरे में आ जाती है। दिया जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, अपने सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके कमरे में चारों ओर सामान बिखरा हुआ है,
कमरे की खिड़की खुली हुई है। अपने कमरे की ये हालत देखकर दिया हैरान रह जाती है और उसी हैरानी के साथ वो सोचते हुए बोलती है, मेरे कमरे की ये हालत कैसे हुई? सुबह जब मैं गई थी तब तो सब ठीक था। तभी दिया की नजर सामने आईने पर पड़ती है जिस पर खून से लिखा हुआ है, जिसकी खोज में तुम यहाँ आई हो वो जल्द ही तुम्हें मिलने वाली है। आईने के पास ही एक खून से लथपथ खंजर रखा हुआ है। ये सारा नजारा देखकर दिया बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है, मानो उसका दिमाग वहीं जम। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। तभी रिया की नजर एक बार फिर उस खंजर पर पड़ती है और वो उस खंजर को अपने हाथ में उठाते हुए सोचने लगती है, ये खंजर जरूर जो शख्स मेरे कमरे में आया था वो खंजर उसी का होगा, मुझे उसे अपने पास रखने लेना चाहिए। ये सब सोचते हुए दिया वो खंजर अपने बैग में रख लेती है। दिया घबराकर अपने मन में सोचते हुए लेकिन इस सब का मतलब क्या है? क्या और कौन मिलने वाला है मुझे? शायद कोई है जो मुझ पर नजर रख रहा है, मुझे डराना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये सब सोचते हुए दिया बुरी तरह से परेशान हो जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलने लगती है, या तो जो कोई भी है अगर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर समझ नहीं आ रहा है शख्स है कौन और मेरे कमरे तक पहुंचा कैसे। दिया परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है और परेशानी भरी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहने लगती है, जब से ऊटी आई हूँ कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। अब इससे पहले कि रिया ये सब देखकर डर जाए मुझे इस कमरे की सफाई करनी होगी। दिया एक लंबी सांस लेते हुए और कमरे की सफाई करने लगती है। तो दोस्तों, खूनी खंजर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और शेयर तो बनता है और कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं जो लास्ट में कहने फर्स्ट में जो कहने वाली थी अभी मैं लास्ट में वो कहने वाली हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी। एक्चुअली मैं ये कहने वाली थी, अगर आप लोगों के पास कोई भी ट्रू हॉरर स्टोरी है और आप लोग उसे मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पेज में इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, जो कि दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मेरा पहला वाला ऑडियो नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाके वो ऑडियो सुन लीजिए जो कि आई बटन और एंड स्क्रीन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ, मौत का रहस्य, दिया की कहानी, हॉन्टेड सीरीज में, हिंदी स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, सोचते रहिए कि आखिर कौन है वो जो दिया को मारना चाहता है? दिया की राज क्या है जो अभी खुलने वाली है? कौन है जो वो खूनी खंजर रखा था उस दिया के कमरे में? कौन है जो दिया का पीछा कर रहा है? कौन है वो शख्स? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदी स्टोरी टेलर में, हॉन्टेड सीरीज मौत का रहस्य, दिया की कहानी, पॉकेट एफएम से दिया हुआ। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 में। तब तक के लिए बाय, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए।